आइए लेकर चलते हैं रामायण से बड़ा ही प्यारा गीत। क्या रावण के मन में क्या रह गया था मरते समय, जो भगवान रामचंद्र जी से उसने अपने अंतिम बोलों में कहा कि हे प्रभु, बड़ी गूढ़ बात है, बस अलविदा ए रघुवर, अब मैं तो जा रहा हूं। बस अलविदा ए रघुवर, अब मैं तो जा रहा हूँ, अमाल जो किए हैं फल उनका पा रहा हूँ। हे प्रभु, अलविदा है, जो मैंने पाप किए उनका फल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अपने समय के लिए क्या सोच रखा था कि क्या होगा। धन है रावण, सोचा था मैंने सीढ़ी ये स्वर्ग को लगाऊं, सोचा था मैंने सीढ़ी ये स्वर्ग को लगाऊं, खारा समुद्र जो है मिठाई से बनाऊं। रावण कहने लगा, प्रभु मैंने सोचा था सीधे सीढ़ी ऐसी बनाऊंगा जो स्वर्ग के रास्ते को जाती होगी, और सुनो प्रभु, यह रात जो अंधेरी भक्तों को कष्ट देती, यह रात जो अंधेरी भक्तों को कष्ट देती, सब रात हो उजाली वह चांदनी बनाऊं। भगवान के भक्तों को यह रात बड़ा कष्ट देती है, मैं तो ऐसा चांद बनाने जा रहा था जो कभी भी गायब ही नहीं होता। धन्य है, क्या सोचती रावण की, पाते हैं दुख प्राणी सुरपुर के रास्ते में, जब यमराज पकड़ के ले जाते हैं तो प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है, मैं सोचता था उस कष्ट को हमेशा के लिए मिटा दूं भगवान। पाते हैं दुख प्राणी सुरपुर के रास्ते में, यमराज को पकड़ कर निज जेल में पठाऊं। रावण कहने लगा, हम यमराज को अपनी जेल में डलवा देते, देखते किस प्राणी को इतना कष्ट देते ये यमराज। और क्या बोला रावण, यह था विचारी अपना तुमको सुना रहा हूँ, आमाल जो किए हैं फल उनका पा रहा हूँ। और बोला रावण, सुनो भगवान, लेकिन किया जो अनुभव सुन लो प्रभु हमारा, लेकिन किया जो अनुभव सुन लो प्रभु हमारा, यह चंद जिंदगी है आवागमन पसारा। जो मैंने सोच रखा था वो व्यर्थ था भगवान, मैं जानता हूं यहां आवागमन सच्चाई है। माया का मूल बंधन प्राणी है सभी जड़ के, माया का मूल बंधन प्राणी सभी हैं जकड़े, अंतिम में हाथ खाली जाते न कुछ भी पकड़े। अब याद करके उनको आंसू बहा रहा हूँ, आमाल जो किए हैं फल उनका पा रहा हूँ। और रावण ने एक बात ऐसी कही
जो भैया वाकई में दिमाग में घुस गई क्या। जग जीतने से पहले वो नफ्स जीत लेना। नफ्स जानते हो भैया, नफ्स मतलब अपनी इंद्रियों को पहले जीत लेना, उसके बाद में संसार पर विजय पाना। बोला रावण, जग जीतने से पहले वो नफ्स जीत लेना, पहले विचार कर ले तब काम कोई करना। और बोला रावण, जिस घर में फूट होगी वह घर तबाह होगा, जिस घर में फूट होगी वह घर तबाह होगा, वंचित मरीज पथ में कैसे निरोग होगा। और अगर तुम्हारी सलाह अच्छी है, बोला रावण, यदि ठीक है सलाई होगी सदा भलाई। विष बोली थरी बोल कर आराम किसने पाई। करके कुसुम कुल को जड़ से मिटा रहा हूँ, करके कुसंग कुल को जड़ से मिटा रहा हूँ, अमल जो किए हैं फल उनका पा रहा हूँ। धन्य है रावण की सोच। और बोला अंत में, जिस काम को हो करना उसमें करें न देरी। ये नहीं कोई काम पड़ा है उसको कल पे डाल दे। बोला रावण, जिस काम को हो करना उसमें करें न देरी, मुझको ही देख लो हालत हुई क्या मेरी। और ऐसी बात कही है उसने भैया, वाकई में भाई भाई को एक सीख देती है कि अगर भाई भाई में फूट हो गई तो समझ लो सत्यानाश। भाई को दूर हरगिज दिल से कभी न करना। भारी कलंक है तुम स्वार्थ पे न चलना। रोक के साहस कर हाथ उसने जोड़े, मरते समय प्रभु के हाथों में प्राण छोड़े। मरते समय प्रभु के हाथों में प्राण छोड़े। भगवान राम भी बोले, धन्य है रावण, बड़ी प्रशंसा की यहां पर प्रभु जी ने। भोपारी अब भरोसे नैया लगा रहा हूं, बस अलविदा रघुवर अब मैं तो जा रहा हूं। बस अलविदा रघुवर अब मैं तो जा रहा हूँ, अमल जो किए हैं फल उनका पा रहा हूँ।